नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। गुजरात के मेहसाणा रैली में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर लगाए भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप। कहा, सहारा और बिरला ने मोदी को दिए करोड़ों रुपए। बीजेपी का पलटवार, कहा गंभीर नेता नहीं है राहुल गांधी। कैबिनेट मीटिंग में केंद्र सरकार ने वेतन भुगतान के संशोधन विधेयक को दी मंजूरी। अब कंपनी को चेक और ई मोड से देनी होगी सैलरी। पारित करने के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा गया अध्यादेश। पुराने नोट जमा कराने की सीमा को लेकर रिजर्व बैंक ने एक बार फिर लिया यू टर्न। 30 दिसंबर तक 5000 से ज्यादा के पुराने नोट जमा करने पर हटाया प्रतिबंध। 5000 से ऊपर जमा कराने पर नहीं होंगे सवाल जवाब। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया का दावा, साल 2015-16 में भारत की 7 राष्ट्रीय पार्टियों को मिला है 102 करोड़ का गुमनाम चंदा। 20,000 से ज्यादा का गुमनाम चंदा पाने में बीजेपी अव्वल तो कांग्रेस दूसरे नंबर पर। श्रीलंका की नौसेना ने भारत के 12 मछुआरों को किया गिरफ्तार। समुद्र क्षेत्र में अवैध रूप से मछली पकड़ने का लगाया आरोप। 2 भारतीय जहाजों को भी किया जब्त। और आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में 42 सालों बाद अश्विन जडेजा ने दोहराया इतिहास। आर अश्विन को टेस्ट बॉलर रैंकिंग में शीर्ष पर जगह मिली, जबकि बाएं हाथ के स्पिनर रविंद्र जडेजा दूसरे स्थान पर रहे। इससे पहले गेंदबाज बिशन सिंह बेदी और भागवत चंद्रशेखर की जोड़ी ने हासिल किया था यह मुकाम। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीवी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।